शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शनिवार को दीनदयाल रुग्ण सेवा की ओर से सीएसआर फंड से 25 लाख का इक्विपमेंट मेयो और मेडिकल अस्पताल को दिया गया। इस बात की जानकारी महापौर संदीप जोशी ने दी है। इस दौरान इक्विपमेंट शामिल इंक्यूबेशन बॉक्स का एक डेमो भी प्रस्तुत किया गया। 25 लाख के इक्विपमेंट में 55 इक्यूबेशन बॉक्स, 5000 सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, 50 स्प्रे पंप जो कि बैटरी से चलते हैं और साथ ही आईआईटी से सर्टिफाइड 5 जनरेटर का समावेश है। संदीप जोशी ने जानकारी दी कि यह फंड पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जरिए एक्सिस बैंक द्वारा दीनदयाल को दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या प्रेरणेमधून समाजातल्या शेवटल्या व्यक्तीपर्यंत आपण गेलं पाहिजे। या धरतीवरून माननीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून एक्सिस बँकेचा एक CSR फंड हा दीनदयाल रुग्ण सेवा प्रकल्पाकरता प्राप्त झाला। याच्यामध्ये इन्क्युबेशन बॉक्स ज्याचा व्हिडिओ आत्ताच आपण बघितला की खऱ्या पेशंटपासून डॉक्टरची टीम ही दूर राहून आणि सेफ राहून अत्यंत चांगली चिकित्सा ते सरळ करू शकतात आणि त्यामुळे असे इन्क्युबेशन बॉक्स 50-55 आज मेयोमध्ये केवळ 4 आहे, त्या जागेवर आता 55 मिळणार। हायड्रोक्लोराईड 5000 लिटर ते मिळणार। त्याच्यानंतर बॅटरीचे पंप जे आहे स्प्रे पंप याची अत्यंत आवश्यक आहे, ते देखील एक 50 पंप, जवळपास एक अजून काही वस्तू आहे, अशा मिळून जवळपास 25 लाखापर्यंतचा CSR एक्सिस बँक आणि माननीय देवेंद्रजींच्या माध्यमातून या ठिकाणी दीनदयाल रुग्णसेवा प्रकल्पाला मिळाला आणि त्या माध्यमातून आम्ही या वस्तू आज मेयोला दिलेल्या आहे आणि त्याच वस्तू मेडिकलला देखील आज आम्ही देणार आहोत। इस दौरान दीनदयाल रुग्ण सेवा के अध्यक्ष व महापौर संदीप जोशी, मध्य नागपुर के विधायक विकास कुंभारे, स्थायी समिति अध्यक्ष विजय झलके और शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके उपस्थित थे।